देखिए दोस्तों, रिंकू और जो हमारी पिंकी है उनके पास है ढेर सारी चॉकलेट्स। लगता है उन्हें कोई गिफ्ट मिला है चॉकलेट का, या फिर शायद उन्होंने खरीदी है। चलिए हम देखते हैं कि उनके पास कौन कौन सी चॉकलेट्स है और कुल मिला के उनके पास कितनी चॉकलेट्स है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो पिंकी है उसके पास कितनी चॉकलेट्स है। तो अगर हम देखें उसके पास 5 स्टार कितनी है, उसके पास 5 स्टार यह देखिए उसके एक हाथ में है ना, इसके अलावा तो कोई और 5 स्टार नहीं है। तो उसके पास है 1 5 स्टार। अब देखते हैं कि उसके पास कितनी किटकैट है। एक तो उसके हाथ में है और 2 यहाँ टेबल पर है, तो यह हुई 3 किटकैट। तो उसके पास है 3 किटकैट। अब देखते हैं उसके पास डेरी मिल्क कितनी है। उसके पास यहाँ टेबल पर है 4 डेरी मिल्क, तो यह हुई 1 2 3 4, यानी कि 4 डेरी मिल्क। तो हमारी जो पिंकी है उसके पास हुई 1 5 स्टार, 3 किटकैट और 4 डेरी मिल्क। तो अगर हमें कुल संख्या निकालनी है इन सारी चॉकलेट्स की, तो हमें इन्हें जमा करना होगा, यानी 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 जमा 3 जमा 4, और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुल मिला के कितनी चॉकलेट्स हैं। तो चलिए हम एक एक करके गिनते हैं। वैसे तो शायद आप अब तक मन में गिन भी चुके होंगे कि ये कुल मिला के कितने हैं, लेकिन हम एक एक करके भी गिनते हैं। तो यह हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कुल मिलाकर हुई 8 चॉकलेट्स। अब देखते हैं रिंकू के पास कितनी चॉकलेट्स हैं। देखिए उसके पास हैं यह टेबल पर 3 5 स्टार्स, और किटकैट कितनी है उसके पास टेबल पर 3 और उसके हाथ में 1, यानी कि 4 किटकैट्स। और डेरी मिल्क कितनी है उसके पास, उसके पास है केवल 1 डेरी मिल्क जो कि उसके हाथ में है। तो अगर हमें कुल चॉकलेट्स का नंबर निकालना है, तो हमें इन तीनों को जमा करना होगा, यानी 3 जमा 4 जमा 1, और हमारा उत्तर जो है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं गिन कर कि यहाँ कितनी चॉकलेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर रिंकू के पास भी हुई कुल मिलाकर 8 चॉकलेट्स। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें, दोनों ही जो लोग हैं उनके पास है 8 चॉकलेट्स। किसी के पास 5 स्टार ज़्यादा थी तो किसी के पास किटकैट। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ जो हमने जोड़ी है संख्याएं, जो 3 संख्याएं हमने जोड़ी हैं उन्हें ध्यान से देखें तो वो सेम हैं। देखिए दोनों ही जगह दोनों के पास ही जो संख्या है, एक तो यह देखिए 1 संख्या है दोनों ही, और फिर देखिए 3 संख्या भी दोनों और है, और बची हुई संख्या है 4। बस फर्क इतना है कि जो हमारी पिंकी थी उसके पास 5 स्टार 1 थी और किटकैट 3, तो हमने पहले 1 और 3 को जोड़ा। वहीं रिंगू के पास 3 5 स्टार और किटकैट 4 थी, तो हमने पहले 3 और 4 को जोड़ा और बाद में 1 को। जो संख्याएं हैं वो इधर उधर हो गई, लेकिन थी सेम, इसी वजह से जो हमारा उत्तर आया वो था 8। अब ऐसी ही कुछ संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं यह दोनों लोग। यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 2 की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 10 से। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन आखिर कर क्या रहे हैं। वेलू तुम क्या कर रहे हो? अक्का इसे जोड़ने में मेरी मदद करो। अरे इन्हें तो तुम बिना लिखे जोड़ सकते हो। देखो हमें जोड़ने हैं यह 3 अंक, 7 5 और 3, तो 7 से शुरू करो और उसमें 5 जोड़ो तो 12 आ जाएंगे, उसमें 3 और जोड़ो तो ये बन गए 15। तो कुल आंसर हुआ, कुल उत्तर हुआ 15। 7 और 5 को जोड़ा तो 12, और उसमें और 3 जोड़े तो आया 15। ओह हमें जोड़ना है 7 5 और 3 को, तो मैं पहले 7 और 3 को भी जोड़ सकता हूँ। दोनों का जोड़ 10 होगा, फिर उसमें 5 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 15। तो दोस्तों वेलू ने क्या करा,
सात और पाँच को जोड़ने की जगह उसने पहले जोड़ा सात और तीन को, क्योंकि जब हम तीन संख्याओं का जोड़ कर रहे होते हैं तो हम संख्याओं को आगे पीछे कर कर भी जोड़ सकते हैं। हमने देखा था ना, जब पिंकी और रिंकू की चॉकलेट्स को हमने जोड़ा था तो जो आंसर है सेम आया था। इसी तरह यहाँ पर जब वेलू और अक्का ने इन अंकों को जोड़ा, इन संख्याओं को जोड़ा, तो आंसर सेम आया, भले ही पहले कौन सी संख्या जुड़ी और बाद में कौन सी, वो दोनों अलग थी। तो अब आप इन संख्याओं को जोड़ने की कोशिश करना। यहाँ तीन संख्याएं, तीन तीन संख्याएं मौजूद हैं जिन्हें आपको जोड़कर उनका उत्तर निकालना है, तो ज़रूर कोशिश करिएगा।